नमस्कार भाई और बहनों, ज्ञानी में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट होता है। वीगन यानी वेजिटेरियन खाने वालों का लाइफस्टाइल को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1994 में यूके की सेलिब्रिटी लुईस वालेस ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने ये वीगन सोसाइटी है यूके में, इस सोसाइटी के 50th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए स्टार्ट किया था। और 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे भी मनाया जाता है। ये ऑल सेंट्स डे जो है वो उसे हैलोस डे और हैलो मास भी कहते हैं, और ये हैलोवीन डे के नेक्स्ट डे आता है। और नवंबर 1 आंध्र प्रदेश डे भी मनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश जो है ये फर्स्ट डेट है जो लैंग्वेज की बेसिस में 1906 में घटित हुआ था, और इसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1906 के दौरान इसे संगठित किया गया, और ये इसके पूर्व आंध्र स्टेट और हैदराबाद स्टेट का एक पार्ट था। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ डे भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, इसका कैपिटल है रायपुर, और इसके गवर्नर है अनुसुईया यूके, और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और ये 1 नवंबर को 2000 को फॉर्म हुआ था। और ये फॉर्म होने से पहले ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, और इसे मध्य प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान 2000 में इसे फॉर्म किया गया। और 1 नवंबर हरियाणा डे भी है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और उसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, और उसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। ये 1966 में नवंबर 1 का फॉर्म हुआ था, और फॉर्म होने से पहले ये ईस्ट पंजाब की एक पार्ट हुआ करता था, और उसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान इसे 1966 में फॉर्म किया गया। और नवंबर 1 कर्नाटका डे भी है, जिसे वो कन्नड़ा राज्योत्सव कहते हैं। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, और इसके गवर्नर है वजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येडियुरप्पा। ये 1956 नवंबर 1 में घटित हुआ था। उससे पहले ये 3 स्टेट्स में मिला हुआ था, बॉम्बे स्टेट में कुछ हिस्से, कुर्ग स्टेट में कुछ हिस्से, हैदराबाद स्टेट में कुछ हिस्से, और मैसूर स्टेट में कुछ हिस्से। बाद में ये सभी हिस्सों को जोड़कर जहाँ भी कन्नड़ भाषा बोलते हैं लोग, उस प्रदेश को वो लोग घटित करके पूरा कर्नाटक को कर्नाटक फॉर्म हुआ था। और ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के उसके अनुसार घटित हुआ है, और इसे कर्नाटक का नाम दिया गया 1973 में। उससे पहले इसे मैसूर स्टेट कहते थे, और 1973 के बाद इसे कर्नाटका कहते हैं। और ये नवंबर 1 केरल डे भी है। केरला डे भी मनाया जाता है। केरला के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, और ये नवंबर 1 1956 में ही ये भी घटित हुआ था, और ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार घटित हुआ है। और ये फॉर्मरली दो स्टेट्स में था, मद्रास स्टेट और ट्रावनकोर कोचिन, ये दोनों स्टेट्स में ये बटा हुआ था। उसके बाद ये 1956 के बाद उन हिस्सों को कुल मिलाकर मलयालम जहाँ भी बात करते हैं उन लोगों को एक स्टेट की तरह गठित हुआ गया, और उसका नाम रखा गया केरला। नवंबर 1 मध्य प्रदेश डे भी है। मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल, और इसके गवर्नर है आनंदी बेन, ये इनका एडिशनल इंचार्ज दिया गया क्योंकि उनके गवर्नर का निधन हुआ था।
इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और ये नवंबर 1, 1950 को फॉर्म हुआ। और ये उससे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बेरार, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मकराई, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ फॉर्मर ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी इसके हिस्सा हुआ करता था। नवंबर 1 पंजाब डे भी है, इसका कैपिटल है चंडीगढ़, और इसके गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, और ये 1966 में फॉर्म हुआ। ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार फॉर्म हुआ था, और पहले ये ईस्ट पंजाब की एक प्रोविंस हुआ करता था। तमिलनाडु डे भी है नवंबर 1। तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, और उसके चीफ मिनिस्टर है एडप्पाड़ी के पलनीस्वामी। ये नवंबर 1, 1996 में फॉर्म हुआ था। ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार फॉर्म हुआ था, और इसे तमिलनाडु का नाम दिया गया 1969 में। उससे पहले इसे मद्रास स्टेट बुलाया करते थे, और 1969 के बाद इसे तमिलनाडु बुलाते हैं। और ये उससे पहले मद्रास स्टेट और ट्रावणकोर कोचीन स्टेट का एक पार्ट हुआ करता था। और ये अंडमान निकोबार डे भी है नवंबर 1। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, और इसके चीफ सेक्रेटरी है चेतन भूषण संघी। ये नवंबर 1, 1956 में एक यूनियन की टेरिटरी की तरह फॉर्म हुआ था। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार फॉर्म हुआ है। इसमें 572 आइलैंड्स है, जिसमें सिर्फ 37 इनहैबिटेड है, यानी सिर्फ 37 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं, बाकी के आइलैंड्स में कोई नहीं रहते। तो अंडमान यहाँ पर है, देखिए दोस्तों मैप में, यहाँ इसमें 572 आइलैंड्स है। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट के इंदिरा पॉइंट भी यही पर था, लेकिन वो जब सुनामी आया तब वो डूब गया है। और नवंबर 1 दिल्ली डे भी मनाया जाता है, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। ये नवंबर 1, 1956 में यूनियन टेरिटरी के रूप लिया है। इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार ही फाउंड किया है गया है, और ये 1911 में कैपिटल हुआ था। और लेकिन इसका नेशनल कैपिटल स्टेटस जो है वो 1 फरवरी 1992 में द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के प्रकार ये नेशनल कैपिटल का स्टेटस पाया इसने। ये याद रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 में हुआ, उसके अनुसार ये नेशनल कैपिटल का स्टेटस मिल गया है। और नवंबर 1 लक्षद्वीप डे भी है, और लक्षद्वीप का कैपिटल है कावरट्टी, इसके एडमिनिस्ट्रेटर है दिनेश्वर शर्मा, और इस एमपी है मोहम्मद फैजल। और इसे नवंबर 1, 1956 में ही फॉर्म किया गया एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार ही फॉर्म हुआ था, और ये फॉर्मरली मद्रास स्टेट का हिस्सा था। इसे पुदुचेरी डे भी मनाया जाता है नवंबर 1 को। तो पुदुचेरी, देखिए यहाँ मैप पे देखिए, ये चार अलग अलग प्रोविंसेस मिलके पुदुचेरी बनता है, यहाँ एक और यहाँ पर दो और यहाँ पर, ये सभी मिलके पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। और उसके कैपिटल है पांडिचेरी, ये पांडिचेरी यहाँ तमिलनाडु के यहाँ पर आता है, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेडी, और इसके चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी। ये 1954 में फॉर्म हुआ था, 1 नवंबर 1954 में, और उसे यूनियन टेरिटरी की स्टेटस 1962 में दिया गया, और इसे 1962 में पुदुचेरी रीनेम कर दिया गया था। इसमें जो ये चार प्रोविंसेस है उनका नाम है
पांडिचेरी, करिकल, कराइकल भी कहते हैं, माहे और यानाम, और ये फॉर्मरली फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। और 200 नवंबर उसके सभी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं, और इतने डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे सभी वीडियोस जरूर देखिए, सभी में बहुत डिटेल से मैं सभी इंफॉर्मेशन देती हूँ। और अगर आप ये करंट अफेयर्स देखते हैं तो सभी नवंबर के करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है, दूसरे और ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं होगी आपको। और नवंबर 5th ये वर्ल्ड सुनामी डे अवेयरनेस डे है, ये 2015 में यूएन के जनरल असेंबली ने 5th नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे घोषित किया। और 2020 का थीम, ये थीम का नाम से नहीं, ये इसका टारगेट है, सेंडाई 7 कैंपेन, टारगेट ई को प्रमोट करना। और इसके हैशटैग कैंपेन भी हुआ था, हैशटैग सुनामी डे प्लान टू सर्वाइव कैंपेन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन्होंने ये कैंपेन चलाया था। और नवंबर 7th को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये इंडिया में ही मनाया जाता है, जहाँ भी ये नेशनल नाम आता है वो इंडिया में मनाया जाता है। तो ऐसे यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने सितंबर 2014 में अनाउंस किया, और ये डे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन और इसके क्यूर के ऊपर फोकस करता है, और जिनके पीपल को कैंसर की ट्रीटमेंट सिम्टम्स के बारे में एजुकेट करने की उद्देश्य रखता है। और वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है, यानी इडी विश्व में उसे फरवरी 4th को मनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे 2019 से 2021 तक एक ही थीम रखा है उन्होंने, और वो थीम है आई एम एंड आई विल। नवंबर 12th को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है, इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया, ये एक संगठन है उसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया, और इसका ये टारगेट है कि हर 1000 लाइव्स वर्ष में हर कंट्री में 2025 तक चाइल्ड निमोनिया से मृत्यु होने के चाइल्ड के जो नंबर है वो 3 तक घट जाए। और इस बार 2020 के थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, और 2019 के थीम है हेल्थी लंग्स फॉर ऑल। कभी कभी पूछ लेते हैं 2019 का थीम क्या था और 2020 का थीम क्या था, ये मैच द फॉलोइंग में वैसे दे देते हैं, तो आपको ये दोनों भी याद रखना जरूरी होता है। और नवंबर 9th को उत्तराखंड डे मनाया जाता है, उत्तराखंड में दो कैपिटल है, गैरसैंण जो समर का कैपिटल है, देहरादून विंटर के कैपिटल है, देहरादून ही सबसे बड़ा सिटी और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। इसका गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये फॉर्म हुआ था नवंबर 9, 2000 में, और तब उसका नाम उत्तरांचल था, और ये उत्तर प्रदेश रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2000 के अनुसार फॉर्म हुआ, और ये पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, बाद में 2000 में इसे उत्तरांचल बनाया गया, और 2007 में उसे रीनेम कर दिया गया उत्तराखंड। नवंबर 14th आपको तो पता ही होगा, नवंबर 14th है चिल्ड्रंस डे, वो भी इंडिया में मनाया जाता है नवंबर 14th को चिल्ड्रंस डे, क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो इसलिए उन्होंने अपने बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी। और इसे ये जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए थे 14th नवंबर 1889 को, और चिल्ड्रंस डे को बाल दिवस भी कहते हैं। और नवंबर 14th वर्ल्ड डायबिटीज डे के नाम से मनाया जाता है, ये नवंबर 14th वर्ल्ड डायबिटीज डे ये फोकस करता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और सिम्टम्स के ऊपर, ये सर फ्रेडरिक बैंटिंग के बर्थडे को मार्क करने के लिए मनाया जाता है, इन्होंने
इंसुलिन डिस्कवर किया था और इन्होंने अकेले नहीं चार्ल्स बेस्ट से मिलकर 1922 में इंसुलिन का डिस्कवर किया था। और इस बार की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज और 2019 का थीम था फैमिली एंड डायबिटीज। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है नवंबर 16th को। वो सेलिब्रेट किया जाता है टॉलरेंस के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। उसका बेसिक थीम है, हर साल की थीम नहीं, बेसिक ये डे का थीम है, टॉलरेंस इज रेस्पेक्ट एक्सेप्टेंस एंड अप्रिशिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ अवर वर्ल्ड्स कल्चर्स अवर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड वेज ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो ये पूरा आप याद कर लीजिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जाता है। टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज को एस्टेब्लिश किया है। इसका अमाउंट है 100,000 US डॉलर्स और इसे 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। हर दो साल में इसे दिया जाता है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। और नवंबर 9th को झारखंड डे मनाया जाता है। झारखंड की कैपिटल है रांची, इसके गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। झारखंड फॉर्म हुआ था नवंबर 15, 2000 में, बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अनुसार ये फॉर्म हुआ था और ये पूर्व में बिहार का एक भाग हुआ करता था। नवंबर 17th को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। एपिलेप्सी डिसीज सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशन पर फोकस करता है ये रोज। और नवंबर 19th को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। ये हाईलाइट करता है ग्लोबल स्केल में इश्यूज फेस्ड बाय मेन, यानी मेन जो भी इश्यूज फेस करते हैं उन इश्यू पर ये हाईलाइट करता है। और इस बार की थीम है बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज। और नवंबर 19th को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। ये फोकस करता है सैनिटेशन के ऊपर और इस बार की थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और दोस्तों ये सब आप एक बार पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और इस इन बहुत सारे इन इवेंट्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो भी बहुत हद तक काम करता है। उस ट्रिक के बारे में आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो नवंबर 20th को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बहुत सारे नेशंस इस दिन को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं नवंबर 20th को। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। नवंबर 20, 1959 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डेट और ये सेंटेंस याद लिखकर याद कर लीजिए। और इसी दिन नवंबर 20, 1908 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये भी इम्पोर्टेंट फ्रेज है, इसे भी याद कर लीजिए 20th 1989 को। और इस बार 2020 का थीम है इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। नवंबर 21st वर्ल्ड टेलीविजन डे है। हाईलाइट करता है टेलीविजन की वैल्यू पर, जो टेलीविजन कम्युनिकेशन और ग्लोबलाइजेशन पर वो जो फोकस करता है उस पर ये वैल्यू करता है। अगर आप ऐसे चीजों को आप एसएस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये कमेमोरेट करता है फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टेलीविजन फोरम जो 1966 में हेल्ड हुआ था। और आपको पता ही होगा नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन जो है वो महत्वपूर्ण दिन है, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1949 में, यानी बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी को जो है 1929 में पूर्ण स्वराज डे दिवस बनाया गया था लाहौर में हमारा फ्लैग हॉइस्ट करके। तो इस दिन को नहीं भूले और इस दिन को इम्पोर्टेंस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 26 जनवरी को
हम ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे और उसे रिपब्लिक डे मनाएंगे। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन अडॉप्ट किया गया 1949 में, इसलिए हर साल 26th यहाँ जनवरी है, जनवरी नहीं 26th नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है और इसे लॉ डे और संविधान दिवस भी कहते हैं। नवंबर 21st को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है, यह हर साल मनाया जाता है नवंबर 21st को। इसे सभी फिशिंग कम्युनिटीज मनाते हैं, रैलीज, वर्कशॉप्स, पब्लिक मीटिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जिबिशन वो सभी रहता है। और ये इम्पोर्टेंस देती है मेंटेनिंग द वर्ल्ड्स फिशरीज। फिशरीज जो है वो बहुत ही एक्सप्लॉइट हो रहा है वर्ल्ड में, तो ये फिशरी को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 2019 का थीम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन, तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए। इंडिया में 2019 को फोकस दिया गया टिल 2022 तक, ये थीम दिया गया है। 2020 का है सपना, किसान की आय हो दुगना, संकल्प से सिद्धि। तो ये था इंडिया का थीम, 2022 तक यही थीम रहेगा। और वर्ल्ड का थीम है 2020 का रिवर्स इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ये डेट मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन, एक्स रेस को, जो विल्हेम रोंटजेन ने इसे डिस्कवर किया था। तो विल्हेम रोंटजेन की एनिवर्सरी को मनाने के लिए इन्होंने 1895 में डिस्कवर किया था, इसलिए हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों कुछ सवाल देखेंगे, उसके साथ उसके डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द ग्रेट फॉक्स स्पाइडर? ये ग्रेट फॉक्स स्पाइडर की IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न। ये IUCN के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। तो इस ग्रेट फॉक्स स्पाइडर का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वो ब्रिटेन है इसका, ग्रेट फॉक्स स्पाइडर का मेन प्लेस, और ये एक्सटिंक्ट माना गया था। लेकिन 27 इयर्स के बाद अब फिर वहीं पर ये दिखाई दिया है और इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है Alapaicosa fabrilis। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज एक्सटेंडेड 100% टैक्स वेवर ऑन मोटर व्हीकल टैक्स टिल 31st December? ऑप्शंस है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार, और इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 100% टैक्स वेवर के ऑर्डर दिया है टिल 31st December, और ये सभी स्टेज कैरेज, मिनी और स्कूल बस के ऊपर दिया गया है। Which is the typhoon that hit recently Philippines? Philippines को एक typhoon affect किया था recently, और वो typhoon कौन सा है? आपका options है निपार, फानी, गोनी, निसर्गा। तो इसका सही answer है गोनी। ये गोनी एक super typhoon है जो Philippines पर hit किया था, और ये सुपर टाइफून क्लासिफाइड किया गया है जिसमें सस्टेन विंड्स होते हैं 250 किलोमीटर पर आवर। हु ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ODI अंपायर, यानी मोस्ट ODI अंपायर होने का रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया? ऑप्शन है रूडी क्वेटजन, अलीम दार, कुमार धर्मसेना, स्टीव बकनर। तो इसका सही उत्तर है
अलीम दार, ये एक पाकिस्तानी अंपायर है और ये इन्होंने ले अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच दो जो सेकंड ओडीआई था 1 नवंबर को रावलपिंडी में, इसमें इन्होंने ये अंपायर थे और ये इनका 210th मैच है और इसके साथ इन्होंने रिकॉर्ड किया क्रिएट किया और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था रूडी क्वेटजन का जिनका रिकॉर्ड था 209 मैचेस, इनका 210 मैचेस हो गया है। और इतना ही नहीं, अलीम दर के और एक रिकॉर्ड है, मोस्ट टेस्ट मैचेस में भी ये एम्पायर रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच टू कंट्रीज डज फेहमार्न बेल्ट कनेक्ट, फेहमार्न बेल्ट किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, यूके और आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ऑस्ट्रिया और हंगेरी, डेनमार्क और जर्मनी। इसके सही ऑप्शन है डेनमार्क और जर्मनी। यहाँ फेहमार्न बेल्ट पे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इमर्स्ड टनल बनाया जा रहा है और ये फेहमार्न बेल्ट के ऊपर बनाया जाता है जा रहा है और ये फेहमार्न बेल्ट एक स्ट्रेट है जो जर्मन आइलैंड है फेहमार्न और डैनिश आइलैंड है लोलैंड, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये 80 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और इसके साथ ये दोनों देश डेनमार्क और जर्मनी कनेक्ट हो जाते हैं। Who won the Emilia Romagna Grand Prix 2020? ये Grand Prix Emilia Romagna Grand Prix को किसने जीता? आंसर है लुइस हैमिल्टन। इस जीत के साथ लुइस हैमिल्टन को 7th वर्ल्ड टाइटल मिलता है। Who has been chosen for the award? Eluthachan Puraskaram 2020. ये पुरस्कार Eluthachan पुरस्कारम 2020 को किसे चूज किया गया है? आंसर है पॉल जचारिया। ये एक नोटेड मलयालम राइटर है और ये जो एलुत्तचन पुरस्कारम ये है, ये हाईएस्ट लिटररी ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ केरला का। ये एलुत्तचन जो है ये फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज है। Who won the Mixed Martial Arts Championship title in Singapore 2020? Singapore में Mixed Martial Arts Championship हुआ था, उसके विनर कौन थे? तो आंसर है रितु फोगट। ये 26 year old का इंडियन रेसलर है और ये इसका थर्ड consecutive विन है, यानी इसके पूर्व सभी पहले दूसरा भी यही विन हुई थी। What is Merriam-Webster's word of the year 2020? ये Merriam-Webster जो है इन्होंने एक वर्ड को word of the year 2020 घोषित किया है, वो कौन सा है? वो है pandemic। ये pandemic जो है ये दो words की combination है, पहला है pan यानी सब, demos यानी people, so सभी लोगों को जो फैलता है वो है pandemic और इसे स्पेशली मेडिकल टेक्स्ट में वो यूज किया गया था डिसीज के तौर पर 1600s में, इसका ये नाम का जिक्र हमें मिलता है। विच स्टेट लॉन्च्ड अरुणोदय स्कीम? आंसर है असम। असम में अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया गया। ये स्कीम दिसंबर 1st से स्टार्ट होता है और 18 लाख पीपल को इसका बेनिफिट मिलता है। उन्हें मिनिमम कम से कनिष्ठ 830 रुपीस पर मंथ दिया जाता है उनके अकाउंट में और ये इंडिपेंडेंस के बाद असम का एक बहुत बड़ा स्कीम है और इस स्कीम का विशेषता ये है कि ये वुमेन जो उस फैमिली के वुमेन है उनके बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, Which Indian short film has entered the 93rd Oscar Film Festival? तो Oscar Film Festival होगा ना, वो भी 93rd का, उस फेस्टिवल में कौन से इंडियन शॉर्ट फिल्म एंटर हुआ है? वो है, उसका नाम है Shameless। ये है इंडिया का ऑफिशियल एंट्री लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में और इसके राइटर और डायरेक्टर है Keith Gomes।
Which government hosted the heads of government council meeting of Shanghai Cooperation Organization? तो Shanghai Cooperation Organization की government council meeting को किसने host किया? तो उसका answer है India. India ने host किया था heads of government council meeting of the 8th, यानी ये Shanghai Cooperation Organization की 8th मीटिंग है, वो हुआ था नवंबर 30 को, उसे इंडिया ने होस्ट किया और इंडिया ने इस SCO का फुल मेंबरशिप हासिल किया था 2017 में. और जब ये इंडिया होस्ट कर रहा था तो उसका चेयरपर्सन था हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी. अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी विल प्रोड्यूस रशियास वैक्सीन इन इंडिया? जो रशिया का वैक्सीन है उसे इंडिया में कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करेगा? उसका आंसर है हेटेरो. ये हेटेरो एक जेनरिक फार्मास्यूटिकल फर्म है और ये रशिया का जो वैक्सीन है उसे प्रोड्यूस करेगा और इसके प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2021 में. ऑर्गन डोनर मेमोरी को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? उसका आंसर है जयपुर. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस ऑर्गन डोनर मेमोरियल को जयपुर में इनॉग्रेट किया और ये इंडिया में अपना इस तरह का फर्स्ट टाइप है. इसे सेटअप किया गया है माउंट मोहन फाउंडेशन के द्वारा. नेशनल ऑर्गन डे पर इसे इनॉग्रेट किया गया, वो नेशनल ऑर्गन डे था 27th November. अगला क्वेश्चन, Who was conferred the Global Strokes Award? The Global Strokes Award किसे दिया गया? Answer है जयराज डी पांडियन. ये जयराज डी पांडियन जो है ये प्रिंसिपल है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और इन्हें ये ग्लोबल स्ट्रोक्स अवार्ड दिया गया बाय वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन. और इस अवार्ड को रिसीव करने वाले ये पहले एशियन है और ये जयराज डी पांडियन करंट वाइस प्रेसिडेंट भी है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की. विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया टू रन फास्टेस्ट, यानी सबसे फास्ट रन करने वाली लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सा है इंडिया में? आंसर है प्रयागराज एक्सप्रेस. ये 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है और ये दिल्ली और प्रयागराज को कनेक्ट करता है. इसे इंट्रोड्यूस किया गया था July 6, 1984 में. अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है तो ये लॉन्गेस्ट फास्टेस्ट ट्रेन बन चुका है. हु इज वर्ल्ड नंबर वन अकॉर्डिंग टू फीफा वर्ल्ड रैंकिंग? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार वर्ल्ड नंबर वन कौन है? आंसर है बेल्जियम. सेकेंड प्लेस में है फ्रांस, ब्राजील है थर्ड, फोर्थ प्लेस में है इंग्लैंड और इंडिया का पोजिशन है 104th. ये है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स. हु वाज रीएलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो? ये बुर्किना फासो एक अफ्रीकन कंट्री है, इसमें जो प्रेसिडेंट है वो रीएलेक्ट हो गया है, वो कौन है? आंसर है रोच मार क्रिश्चियन काबोर. ये बुर्किना फासो एक लैंडलॉट कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, इसका कैपिटल है उआगाडोगो. अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी टॉप्स क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप करता है? आंसर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स दिया गया, उसमें टोटल यूनिवर्सिटी 650 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग्स दिया गया और इसमें फर्स्ट है, टॉप में पोजीशन में है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. और इंडिया के 107 इंस्टीट्यूशंस ने इस 650 इंस्टीट्यूशंस में अपना स्थान हासिल किया है. उसमें सबसे टॉप स्थान में है IIT बॉम्बे जो 47th प्लेस में है, IIT दिल्ली 50th प्लेस में है और IIT मद्रास 56th प्लेस में है. रिसेंटली Which airport got the level 4 plus carbon accreditation? 4 plus carbon accreditation जो है वो कार्बन और क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड है.
यह एक्रेडिशन किस एयरपोर्ट को दिया गया है इंडिया में? आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। ये एशिया पैसिफिक की फर्स्ट एयरपोर्ट है जो इस लेवल 4 कार्बन एक्रेडिशन दिया गया है। ये ACIS के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम के अनुसार दिया गया है। विच इज द कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर? तो कैम्ब्रिज ने कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? आंसर है क्वारंटाइन। कैम्ब्रिज के अनुसार ये उनके वेबसाइट में मोस्ट सर्च्ड वर्ड है। ये वर्ड क्लोजली फॉलो करता है लॉकडाउन और पेंडेमिक को, यानी क्वारंटाइन के बाद लॉकडाउन और पेंडेमिक दो ऐसे वर्ड्स है जो मैक्सिमम सर्च हुए है। और कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है लॉकडाउन। वेयर वॉज द एक्सट्रीमली रेयर व्हाइट पेंगुइन स्पॉटेड रिसेंटली? तो पेंगुइन को आपको देखा होगा, वो ब्लैक और थोड़ा व्हाइट मिक्स होता है, लेकिन व्हाइट पेंगुइन है जो एक्सट्रीमली रेयर है, उसे कहाँ स्पॉट किया गया? आंसर है गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड से एक आर्किपेलागो है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहां पर ये स्पॉट किया गया है और ये एंडेमिक है इस आइलैंड्स के, यानी इस आइलैंड्स में ही पाए जाते हैं और दूसरे कोई आइलैंड में भी ये नहीं दिखाई देते। इसका स्पीशीज वो सब अब तक क्लासिफाई नहीं किया गया है और ये माना जाता है शायद ये गैलापागोस पेंगुइन या स्पेनिस्कस मेंडिक्युलस स्पीशीज का पेंगुइन हो सकता है। विच स्टेट लॉन्च्ड द ऊर्जा स्वराज यात्रा? कौन सी स्टेट ने ऊर्जा स्वराज यात्रा को लॉन्च किया? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ऊर्जा स्वराज यात्रा को नवंबर 26, 2020 को लॉन्च किया और ये 11 साल का लॉन्ग प्रोग्राम है और इसे ऑर्गेनाइज किया एक प्रोफेसर, उनका नाम है चेतन सोलंकी। ये IIT मुंबई के प्रोफेसर है। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के लिए, यानी पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। When is National Milk Day celebrated in India? India में National Milk Day कब celebrate किया जाता है? Answer है November 26th. यह establish किया गया था Food and Agriculture Organization के द्वारा 2014 में। ये date dedicate किया गया है Dr. Varghese Kurian की honor में। Varghese Kurian के बारे में आप सुना होगा, यह है father of the व्हाइट रेवोल्यूशन, जो अमूल का है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर यही है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है इंडिया। हु चेयर्ड द 33rd प्रगति इंटरेक्शन ऑन 25th नवंबर 2020 को प्रगति इंटरेक्शन हुआ था, वो 33rd था, उसे चेयर किसने किया? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये प्रगति क्या है? ये एक ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हु इनॉग्रेटेड द री इन्वेस्ट 2020 को किसने इनॉग्रेट किया? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने इस री इन्वेस्ट 2020 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स का मीट है और एक्सपो भी है, जिसे री इन्वेस्ट 2020 का नाम दिया गया और ये 26 नवंबर को हुआ था। और इस Reinvest 2020 को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इस बार का Reinvest 2020 का थीम था इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसिशन। विच टाइगर रिजर्व गॉट द इंटरनेशनल अवार्ड TX2? ये अवार्ड को
किस टाइगर रिजर्व में हासिल किए इंडिया में? आंसर है फिलीबिट टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TXT को हासिल किया है। क्यों हासिल किया? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए, टाइगर्स को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हासिल किया गया। और ये इसने इस टाइगर रिजर्व में क्या हासिल किया, ये टाइगर पॉपुलेशन को 25 से 65 तक बढ़ा दिया। 2014 में इसका टाइगर पॉपुलेशन था 25, अब जब 2018 का सेंसस हुआ, टाइगर सेंसस, उसमें इसका टाइगर पॉपुलेशन था 65, यानी डबल से भी ज्यादा इंक्रीज किया, तो इसलिए इसे ये अवार्ड दिया गया। विच स्टेट लॉन्च्ड द हिम सुरक्षा अभियान? हिम सुरक्षा अभियान को किस स्टेट में लॉन्च किया गया? आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये हिम सुरक्षा अभियान जो है वो पैंडेमिक, अब तो COVID-19 पैंडेमिक जो अफेक्ट किया है, उस पैंडेमिक की के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। व्हाट इज सहकार प्रज्ञा? सहकार प्रज्ञा क्या है? सहकार प्रज्ञा है न्यू ट्रेनिंग, यह एक न्यू ट्रेनिंग है। इसमें 45 न्यू मॉड्यूल्स है। ये किसके लिए है? ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया एक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग दिया जाएगा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, रूरल एरियाज में जो है उन सोसाइटीज को दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के साथ लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकेडमी से कोलैबोरेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। व्हाट इज ऑपरेशन 500? ये एक स्टिंग ऑपरेशन है, जहां इंडिया आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट शुरू किया है। What is the name of China's first spacecraft to moon? China ने moon के लिए अपना first spacecraft भेजा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है Chang'e 5। ये launch किया गया 24 November 2020 में, southern province of Hainan जो China में है वहां से launch किया गया। एक unmanned mission है, इसमें कोई आदमी नहीं जाता, और ये मिशन जो है उसका उद्देश्य है वहां जाके मून के थोड़ा सैंपल्स कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद अर्थ को रिटर्न हो जाना। When was Sentinel 6 launched? Sentinel 6 को कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 2020। ये Sentinel 6 जो है ये एक US European satellite है, joint US European satellite। इसे लॉन्च किया SpaceX के फाल्कन रॉकेट के द्वारा, और ये कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है, और ये ग्लोबल सी लेवल्स को मॉनिटर करता है। नेम द मिस्टीरियस मशरूम स्पीशीज डिस्कवर्ड रिसेंटली। रिसेंटली एक मिस्टीरियस मशरूम स्पीशीज को डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोरिडोमाइसिस हिलोस्टैकिडिस। दोस्तों ये ऐसे नाम को थोड़ा एक दो बार लिख के और 5 से 6-10 बार बोल के आप याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो एक बार लिख लीजिए रोरिडोमाइसिस हिलोस्टैकिडिस। अब ये इकोलॉजी और ये स्पीशीज ये सभी आजकल एग्जाम्स में ज्यादा पूछते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये डिस्कवर किया गया था अगस्त 2020 में ईस्ट खासी हिल्स, जो माउलिन नॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, उस डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट खासी हिल्स में अगस्त में डिस्कवर किया गया। उसके बाद ये जयंतिया हिल्स जो है, वेस्ट जयंतिया हिल्स, उसके क्रैंकशूरी में भी डिस्कवर किया गया, और ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी दिखाता है, यानी अपने आप में ग्लो होता है, तो इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। जब भी कोई लिविंग थिंग ग्लो, अपने आप से ग्लो होता है, लाइक मौत जो ग्लो करता है, वैसे आप समंदर में भी देखा होगा, मुंबई के बांद्रा बीच में ब्लू कलर लाइट आया था, वो सब
एल्गे क्या बायोल्यूमिनेसेंस है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर से लाइट आता है। इस बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को ये मशरूम रोरिडोमाइसिस हिलोस्टैकिडिस जो है वो दिखाता है। और यही नहीं, ऐसे बायोल्यूमिनेसेंस को 97 मशरूम्स प्रदर्शन करते हैं इस दुनिया में। Who was conferred the 21st Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Philanthropic Work? ये वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, फिलान्थ्रोफिक वर्क के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, वो भी 21st का, किसे दिया गया? आंसर है सुधा मूर्ति, आपने सुना होगा इंफोसिस के सुधा मूर्ति, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें 21 नवंबर को वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। रिसेंटली विच कंट्रीज नेविगेशन सिस्टम वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द IMO? कौन से कंट्री के नेविगेशन सिस्टम को IMO ने रिकग्नाइज किया? आंसर है हमारा इंडिया। तो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, आप उसका नाम सुना होगा, नाविक। नाविक यानी नेविगेशन विद थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो इसे IMO यानी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। तो ये जो रिकग्निशन है अब तक सिर्फ 4 कंट्रीज को मिला है, वो है USA, रशिया, चाइना और अब हमारे देश इंडिया को भी ये मिल गया है। नेम द फर्स्ट इंडिजिनस हैवी वेट टॉर्पिडो ऑफ इंडिया। हैवी वेट टॉर्पिडो को डेवलप किया गया है अपने इंडिया में ही, हमारे इंडियंस के द्वारा ही, तो कौन सा है? आंसर है वरुणास्त्र। ये डेवलप किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा और ये डिजाइन किया गया है नेवी के लिए बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी विशाखापट्टनम। ये ऐसे फैक्ट्स भी आपको याद रखना जरूरी होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। वैसे पूछ लेते हैं तो एक बार याद कर लीजिए। व्हाट इज सिटमैक्स 20 क्या है? सिटमैक्स 20 ये एक सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड ट्राइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो समंदर में किया जाता है और ये नेवल एक्सरसाइज हुआ था अंडमान सी में नवंबर में। ये इसका सेकेंड एडिशन है और इसमें इंडियन नेवल शिप्स कमोर्टा और कार्मुक ने पार्टिसिपेट किया और इसे होस्ट किया था रिपब्लिक नेवी ऑफ सिंगापुर। ये होस्ट है इस सिटमैक्स 20 के। नेम द 5 टेक्नोलॉजीज रेकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू प्रोवाइड फील्ड लेवल सोल्यूशन टू द स्टेट। तो स्टेट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए 5 टेक्नोलॉजीज रेकमेंड किया गया है, वो 5 टेक्नोलॉजीज कौन है? तो आंसर है ग्रंडफोर्स एक्यूप्योर, जनाजल वाटर ऑन व्हील, प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरिनेटर, जुकासो टेक्नोलॉजी और FB-Tech। ये 5 टेक्नोलॉजीज शायद पूछे जाएंगे, आप उसे याद रख लीजिए। और इसे रेकमेंड किया है मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उस डिपार्टमेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी सेटअप किया गया था। उस कमिटी ये 5 टेक्नोलॉजीज को रेकमेंड करती है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए। व्हाट इज सिम्बेक्स 20? कंफ्यूज मत कीजिए सिम्टेक्स के साथ, ये सिम्बेक्स है। सिम्बेक्स 20 क्या है?
यह है 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। ये बायलैटरल है यानी सिर्फ इसमें दो कंट्रीज हिस्सा लेंगे, इंडिया और सिंगापुर। और ये हुआ था नवंबर में, ये है सिम्बेक्स 20 और ये 27th एडिशन है, यानी बहुत बहुत साल से ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज चला रहा है। ये इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में हो रहा है 1994 से। इन विच सिटी एंटी स्मॉग गन्स वर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। एंटी स्मॉग, स्मॉग जो है जो धुएं की तरह होता है उसे खींचने के लिए गन्स इंस्टॉल किए गए हैं इन अपने देश में, इंडिया में। कहां पर, किस सिटी में? आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में गन्स आपने सुना होगा, न्यू दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली में रहना एक गैस चैम्बर के अंदर रहने के बराबर है। तो दिल्ली में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास में एक है ये एंटी स्मोक गन्स का इंस्टॉल करना। ये इंस्टॉल किया गया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का मैसिव एंटी पोल्यूशन कैंपेन है। उसका नाम है मैसिव एंटी पोल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये दिल्ली गवर्नमेंट का मैसिव कैंपेन है, ये याद रख लीजिए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसके अंडर ये एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल किया गया है और पूरे दिल्ली में 23 एंटी स्मॉग गन्स को इंस्टॉल किया गया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। Who are the recipients of आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार? तो आदित्य एके बिरला कला शिखर पुरस्कार के बारे में आप सुना होगा, और इस साल के रेसिपियंट्स कौन हैं? उसका आंसर है एक्टर नसरुद्दीन शाह, एक्टर नील चौधरी और इरावती कार्निक। ये तो बहुत सीनियर एक्टर है, ये बताओगे। और ये दोनों जो है ये अपकमिंग एक्टर्स है, तो इन तीनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। Who has won the UN Population Award 2020? UN Population Award किसे दिया गया है 2020 में? तो ये दिया गया है हर मैजेस्टी ग्यालिम सांगे छोड़ेन वैंगचुक। ये भूटान के क्वीन मदर है, इन्हें इंडिविजुअल सेक्शन में ये प्राइज दिया जाएगा। और इंस्टीट्यूशनल सेक्शन में हेल्प एज इंडिया को ये अवार्ड दिया जाएगा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन? इंडिया का जो फर्स्ट मॉस उसका गार्डन बनाया गया है पहला इंडिया में, कहां पर है? आंसर है नैनीताल। नैनीताल में फर्स्ट मॉस गार्डन इनॉग्रेट हुआ था। ये इनॉग्रेट किया गया वाटर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट राजेंद्र सिंह के द्वारा 20 नवंबर को, और इसमें 30 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉसेस है। विच इज द बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? इंडिया में बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आंसर है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जो आंध्र प्रदेश में है, वो है बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट। और ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इंक के द्वारा। इन्होंने ये इस डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और इन्होंने ओडिशा के खाला हंडी है उसे बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, और असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट है उसे बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? सो ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक। इन्हें ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया का, इन्हें ये दिया गया है राइटिंग पोएट्री और अदर यानी लेखन, पोएट्री और लिटरेरी वर्क्स के लिए ये दिया गया है।
और ये अवार्ड को देता है वातायन यूके ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन में है. व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि. तो इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है परम सिद्धि, याद रख लीजिए. उसका रैंकिंग दिया गया है वो कौन सा है. आंसर है 63rd. तो हमारा परम सिद्धि जो है वो 63rd पोजीशन में है. तो ये इंडिया का एक आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर है. टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स है वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं. तो उन 500 कंप्यूटर्स में से ये इंडिया का कंप्यूटर 63rd रैंक में है. और ये परम सिद्धि जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है. इसे डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मेटी के अंडर आता है. उसका एक प्रोग्राम था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. सीडैक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया. इसमें आरस्पीक ऑफ 5.267 पेटाफ्लॉप्स है और 4.6 पेटाफ्लॉप्स आर मैक्स है. जो रैंकिंग होता है उसमें आर मैक्स और आरस्पीक्स के स्कोर्स को कंसिडर करते हैं. और ये लिनपैक बेंचमार्क में ये कैसे परफॉर्म करता है इसे देखकर ये रैंकिंग दिया जाता है. हु इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु टेक समिट. बेंगलुरु टेक समिट को किसने इनॉग्रेट किया. आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. इन्होंने बेंगलुरु टेक समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनॉग्रेट किया और इसे ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड किए. 2020 का थीम था नेक्स्ट इज नाउ. तो इसमें फोकस किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर. जून 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक वर्चुअल समिट हुआ था जिसमें एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन हुआ था. ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क ऑन साइबर एंड साइबर एनेबल टेक्नोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, इसे साइन किया गया. और नेक्स्ट इस दिसंबर 2020 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन वो उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. विच बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मीरत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम. जो इस दिल्ली गाजियाबाद मीरत के RRTS को कौन से बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है. आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसे $500 million लोन दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को. और ये 82.15 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, वो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसे दिल्ली गाजियाबाद और मीरठ को कनेक्ट करती है. Where was छपारे वायरस डिस्कवर. छपारे वायरस को कहाँ डिस्कवर किया गया. तो ये डिस्कवर किया गया है रूरल बोलीविया में. तो रिसेंटली जो US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसने एबोला की तरह एक इलनेस को इन्होंने फाइंड आउट किया है. जो ये ऐसे इलनेस रूरल बोलीविया में 2004 में डिस्कवर हुआ था और इस वायरस का नाम रखा गया है छपारे. ये छपारे एक रूरल प्रोविंस है जो सेंट्रल बोलीविया के नॉर्थन रीजन में है. और ये वायरस जो है वो अरेना वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और इसमें एबोला वायरस डिसीज जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं. ये छपारे हैमरेज फीवर यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है, वैसे इलनेस कॉज करता है. और ये कैरी करते हैं रैट्स के द्वारा ये स्प्रेड होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये स्प्रेड होता है. ये रैट्स के जो यूरिन्स ड्रॉपिंग्स जो है वो जब वो चलते हैं तब जो उनके शरीर से जो भी गिरता है वो सब अगर उसके कांटेक्ट में ह्यूमन बींग्स आते हैं तो उन्हें ये वायरस अफेक्ट करता है. वॉट इज मेरी सहेली. मेरी सहेली क्या है. उसका आंसर है ये है
इंटेंसिव अवेयरनेस ड्राइव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ये फीमेल पैसेंजर्स के सिक्योरिटी को बूस्ट करता है, ज्यादा सिक्योरिटी देने के लिए मदद करता है। ये एक टीम है, उस टीम में लेडी कॉन्स्टेबल्स होता है और इसे लीड करते रहे होते हैं ये एक इंस्पेक्टर। तो दोस्तों बहुत सारे करंट अफेयर्स है, आप नीट से नोट कर लीजिए और इसे याद रखने का टेक्निक भी मैं बाद में बताऊंगी। कोई बात नहीं, आराम से आप इसे याद रख सकते हैं, बस ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। When was India Luxembourg Virtual Summit held? India Luxembourg Virtual Summit कब held हुआ था? November 19, 2020 में। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर जेवियर बेटल ने इसे होल्ड किया। Which award was launched by AICTE recently? AICTE, All India Council for Technical Education. इसने एक अवार्ड को लॉन्च किया, वो अवार्ड कौन है, कौन सा है? आंसर है लीलावती अवार्ड। ये अवार्ड को जरूर याद रख लीजिए, ये अवार्ड को AICTE ने लॉन्च किया और इसे वर्चुअली लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। AICTE का एक प्रोग्राम है, इनोवेशन एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन। तो इसके प्रोग्राम के तहत 17 नवंबर को लीलावती अवार्ड लॉन्च किया गया और ये वुमेन को एंकरेज करने के लिए है। हु हैज बीन चोजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर है फ्रांसिस्को सगास्टी। Which is the vaccine listed by WHO for COVID-19? Answer है NOPV2। इसे डेवलप किया है इंडोनेशिया का नियो फार्मा। Who hosted the 12th BRICS summit? BRICS summit चल रहा है जो 12th है, उसे होस्ट किसने किया? Answer है रशिया। ये BRICS summit held हुआ था 17 नवंबर को और इसका थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। तो ये 12th समिट है, इसे रशिया ने होस्ट किया और 13th ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा इंडिया 2021 में। तो ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज है वो कौन से है? वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। Where was second phase of Malabar exercise held? Malabar exercise नाम तो आप सुना होगा। ये exercise naval exercise है, ये इसका second phase कहाँ था? Answer है Northern Arabian Sea में। इस exercise में participate करते हैं quad के 4 countries, उनका नाम है Australia, India, Japan और USA। ये 2020 का जो है वो सेकेंड फेज का एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया को इस बार शामिल किया गया। पहले इंडिया, जापान और यूएसए ही पार्टिसिपेट करते थे मलाबार एक्सरसाइज में। ऑस्ट्रेलिया को ये मान के नहीं दिया जा रहा था क्योंकि चाइना अपोज करता था ये रीजनल कोई संगठन हो जाएगा, तो लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया है। Which state has ordered for new Maratha Development Authority? एक Maratha Development Authority को establish करने का order दिया गया है कौन से state में? Answer है Karnataka. Who is the state icon of Punjab? Punjab के state icon कौन है? Answer है actor Sonu Sood. इन्होंने ये lockdown के समय में बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क किए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने सहायता दिया है, बहुत सारे देश में जो फंस गए थे उन्होंने इन्होंने वापस इंडिया को बुलाने में बहुत मदद की है। तो इन्हें स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अपॉइंट किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हु आर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज? वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कौन है? ये है हिंदू और सिख फैमिलीज जो सेटल हुए हैं मेनली बॉर्डर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्हें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कहते हैं।
वो 1947 में इंडिया में आए थे, लेकिन उन्हें सिटीजनशिप नहीं दिया गया था, वो रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये दिया गया है और अब वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। Which two sites from India were recently added as Ramsar sites? Ramsar sites के बारे में आपने सुना होगा, wetland sites है। इसमें किन दो sites को recently add किया गया? Answer है, the Lonar Lake in महाराष्ट्र और सुर सरोवर जिसे कीतम लेक भी कहते हैं इन आगरा। लोनार लेक के बारे में आपने सुना होगा, recently उसका water जो है वो pink हो गया था। इस लेक और सुर सरोवर जो आगरा में है, इस इन दोनों को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। Where is India's first sandalwood museum set up? इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ सेटअप किया गया है? आंसर है मैसूर के अरण्य भवन। Who is the winner of International Children's Peace Prize? International Children's Peace Prize के विनर कौन है? आंसर है सादत रहमान, ये है बांग्लादेश के। इन्होंने यंग पीपल को एजुकेट करने में बहुत काम किए हैं, साइबर बुलिंग के बारे में और बहुत सारे काम किए हैं। उस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज दिया गया है। विच स्टेट लॉन्च मिशन रोजगार? मिशन रोजगार को किस स्टेट ने लॉन्च किया? आंसर है उत्तर प्रदेश। इस मिशन के अनुसार 50 लाख यूथ को, उत्तर प्रदेश के 50 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट लॉन्च सांस? आंसर है ओडिशा। ओडिशा ने सांस को लॉन्च किया। वो सांस क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो न्यूमोनिया को हराने में ये एक प्रोग्राम है सांस, जिसे ओडिशा ने लॉन्च किया। Name the new genus of tree frog discovered. तो tree frog का नया genus discover किया गया है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है Rohonic salus vittatus. जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ऐसे नाम आप एक दो बार लिख दीजिए और 5 से 10 बार पढ़ लीजिए, तभी आपको ये याद रह सकते हैं। और अब ecology के ऐसे questions बहुत important हो गए हैं। उसका नाम है Rohonic salus vittatus। इसे डिस्कवर किया गया है अंडमान आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये एक स्ट्राइप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग है और इसे इसका नाम दिया गया है श्रीलंकन टैक्सोनोमिस्ट रोहन पेतियागोड़ा के नाम पर। एक इम्पोर्टेंट बात, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत इंस्पिरेशन देगा, और शेयर कीजिए ताकि इसका ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब इस वीडियो को याद रखने का टेक्निक देखते हैं। हम यूजुअली जो सीखते हैं उसमें से सिर्फ 18% याद रहता है, बाकी का 82% याद में रहने के लिए अब से 24 आवर्स कंप्लीट होने से पहले आप एक वीडियो दोबारा देखिए। कुछ ही मिनट की बात है और अब से एक हफ्ते कंप्लीट होने से पहले एक बार ये वीडियो देखिए और अब से एक महीने कंप्लीट होने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, और अगर आप अब से 6 महीने से पहले एक और बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसका ज्ञान आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हूँ ताकि आप आसानी से इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।